नजर आज की 20 बड़ी खबरों पर। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। लगे मोदी मोदी के नारे, मोदी ने भाजपा सांसदों से आगामी लोकसभा चुनाव में जुटने का किया आह्वान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह सरूता का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इसके अलावा उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का करेंगे उद्घाटन। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन शांति से समृद्धि की थीम पर होगा आयोजित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 दिसंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 60वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। एबीवीपी ने कहा कि सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से 10,000 से अधिक छात्रों के भाग लेने की उम्मीद है। लोकसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे भारत की जनजातीय आबादी को उच्च स्तर शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं प्राप्त होंगी। सुप्रीम कोर्ट में राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ राघव चड्ढा की याचिका पर आज होगी सुनवाई। चड्ढा पर दिल्ली सेवा विधेयक से संबंधित एक प्रस्ताव में 5 सांसदों की फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया गया है। मिजोरम में जोरम पीपुल्स मूवमेंट जेडपीएम के नेता लालदुहोमा कल मुख्यमंत्री पद के लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। गंगा के दोनों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में संरक्षित होंगे वेटलैंड। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में 50 वेटलैंड को किया जाएगा अधिसूचित। 2 फरवरी को ग्राम पंचायत स्तर पर वेटलैंड दिवस का किया जाएगा आयोजन। 3 राज्यों में नए मुख्यमंत्री के चयन में करना होगा अभी 2 दिन का और इंतजार। भाजपा नेतृत्व द्वारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आज करेगा पर्यवेक्षकों की घोषणा। 2 विधायकों के साथ बैठक कर विधायक दल के नेता करेंगे चुनाव। यूपी बोर्ड की 2024 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च तक सम्पन्न होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बुंदेलखंड के विकास से जुड़ी एक पुस्तक मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को भेंट करते हुए प्रदेश के विकास के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा की अटकलें। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। जोधपुर से 108 कलशों में भरकर 5 बैलगाड़ियों में गाय का देसी घी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान और मंदिर के अखंड ज्योति के लिए 600 किलो देसी घी अयोध्या लाया गया। प्रदेश सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के प्रथम चरण की तैयारी में जुटी है। प्रथम चरण में जिन टॉप 10 कंपनियों के आने की संभावना है उनके द्वारा 1.11 लाख करोड़ का निवेश किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जब अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाएं सिकुड़ रही हैं, ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है। लखनऊ में द वीक हंसा रिसर्च सभी 2023 की रैंकिंग में SGPGI लखनऊ का 3rd स्थान मिला है। पहले नंबर पर दिल्ली एम्स और दूसरे पर PGI चंडीगढ़ है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि जनवरी 1966 से मार्च 1971 के बीच असम में बांग्लादेशी प्रवासियों को दी गई भारतीय नागरिकता के आंकड़े उपलब्ध कराएं। संविधान की बुनियादी संरचना सिद्धांत को निर्धारित करने वाला ऐतिहासिक केशव नंदा भारतीय फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इस फैसले के आए हुए 50 साल पूरे हो रहे हैं। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच में 2रा दिन का खेल बारिश के कारण हुआ रद्द। मीरपुर में चल रहे मुकाबले में 2रे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। भारतीय घरेलू क्रिकेट में खेली जाने वाली अंडर 15 महिला वनडे ट्रॉफी में हरियाणा की महिला टीम बनी चैंपियन। फाइनल मुकाबले में दिल्ली की महिला टीम को 8 विकेट से हराकर खिताब पर किया कब्जा।